लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतास अपार्टमेंट में पीयूष रस्तोगी के घर कुर्की हुई है। कई थानों में पीयूष रस्तोगी के खिलाफ FIR दर्ज थी। निवेश के नाम पर जालसाजी करता था। पिछले काफी समय से सभी अभियुक्त चल रहे थे फरार। हजरतगंज गौतमपल्ली के थाने की पुलिस मौजूद रही, जहां पीयूष रस्तोगी के घर कुर्की का मामला सामने आया है। रोहतास अपार्टमेंट में पीयूष रस्तोगी के घर कुर्की हुई, कई थानों की पुलिस मौजूद रही और कई थानों में पीयूष रस्तोगी के खिलाफ मामला दर्ज था, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जालसाजी करता था, निवेश के नाम पर जालसाजी करता था। और पीयूष रस्तोगी के घर आज पुलिस कुर्की करने पहुंची। शिवा हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। शिवा, पीयूष रस्तोगी के घर कुर्की का आज ये मामला सामने आया है। हजरतगंज गौतमपल्ली के थाने की पुलिस वहां मौजूद रही, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, जानना चाहेंगे? देखिए, हीना, हजरतगंज के बटलर पैलेस के पास रोहतास अपार्टमेंट है और उसी में पीयूष रस्तोगी का एक घर है। ये बताया जा रहा है कि पीयूष रस्तोगी, परेश रस्तोगी और अजय रस्तोगी जो तीनों भाई है, इनके खिलाफ लखनऊ के कई अलग अलग थानों में जाते मुकदमे दर्ज है और अपार्टमेंट के नाम पर जो निवेश की थी, जो निवेशकों से उसके नाम पर उनको जो पोजीशन लेना था, वो पोजीशन कई महीनों से नहीं दिया था, उसी को लेकर के अलग अलग थानों में FIR दर्ज थी। और आज कुर्की की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कराई है और जो पीयूष रस्तोगी, जो उनका घर है रोहतास अपार्टमेंट में, उसको पूरे घर को सील किया गया है। इस दौरान जो पीयूष रस्तोगी के घर वाले थे, उसको हल्का सा विरोध जरूर पुलिस वालों को झेलना पड़ा, क्योंकि तमाम जो चीजें थी उसको लेकर के कॉन्फ्लिक्शन था कि वो उनका घर नहीं है, वो उनकी पत्नी के नाम पर घर है। लेकिन वहाँ जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उनका कहना यही था कि कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है और कोर्ट के इम्प्लीमेंट को उन्हें पूरा कराना है और इसी बीच वो कार्रवाई अभी लगातार जारी है। पुलिस के बड़े अफसर जो है वो मौके पर मौजूद है। रोहतास अपार्टमेंट के जो अन्य जो आरोपी है, जो काफी समय से फरार भी चल रहे हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पुलिस ने की है, उन लोगों के खिलाफ भी अब न्यायालय से कुर्की का जो आदेश है वो पुलिस जारी कराएगी और उसके घर की कुर्की करेगी। तमाम जानकारियों के लिए शिवा बहुत शुक्रिया आपका। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।